नमस्ते। बाहर के पॉल्यूशन से तो हम सभी बहुत अच्छी तरह अवगत हैं कि बाहर में कौन सी गैसें हैं और किस तरह से ये पॉल्यूशन होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप अपने घर में भी सेफ नहीं है? आपके घर में भी ऐसी बहुत सारी गैसेस हैं जो कि आपके घर के एयर को पॉल्यूट करती है। ये गैसें कहाँ से आती है? तो इन गैसों का जो स्रोत है आने का, हमारे घरों में जो वार्निस पेंटिंग, जो फर्नीचर यूज करते हैं उसमें वार्निस होता है, या कुकिंग करते समय कुछ ऐसी गैसें निकलती है, या इलेक्ट्रॉनिक्स से निकलती है, तो इस तरह से। और अगर आपके आपका घर रोड साइड में है, मार्केट एरिया में है, तो बाहर का पॉल्यूशन भी आ रहा है, तो उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी जो पेंट वार्निस, इससे निकलती है जो गैसेस, वो है फॉर्मल्डिहाइड, बेंजीन, ऑक्सिलीन, टॉलिन। इस तरह से बहुत सारी गैसेस हैं जो हमारे घर के एयर को पॉल्यूट करती है। तो हमारे पास, जैसे आज मैं उसी बात को डिस्कस करूंगी और मैं बताऊंगी कि कैसे नासा ने एक एक्सपेरिमेंट किया और कुछ प्लांट्स को रख के, और कुछ गैसें थी उस रूम्स में, और उसको देखा कि किस तरह से कुछ प्लांट्स जो है बहुत ही अच्छी तरह से उन गैसों को एब्जॉर्ब किया। तो इस तरह उन्होंने एक लिस्ट बनाया, और लिस्ट काफ़ी लंबी है, लेकिन मैं केवल एक पांच प्लांट्स को बताऊंगी जो घर में रखने के लिए बहुत बेस्ट हैं और वो एयर को बहुत अच्छी तरह से प्योरीफाई करता है। तो बने रहिए हमारे साथ। मैं हूँ एलिस सिंह, वेलकम टू माय चैनल गार्डनिंग विद एलिस। तो हमारे घर में जो हार्मफुल गैसेस है, हम सोचते हैं कि इससे हमें कैसे नुकसान ये पहुंचाता है। तो ये हमारे जैसे चेस्ट में कंजेशन, गले में इरिटेशन, आँख में इरिटेशन, और इस तरह से इम्यूनिटी बेस्ड जो जितने भी फैक्टर्स रहते हैं उनको ये प्रभावित करता है। तो ये बहुत ही हार्मफुल है हमारे घरों में। तो हमें चाहिए कि इस तरह से बहुत सारे प्लांट्स रखने चाहिए घर में, क्योंकि आजकल तो पर्यावरण पर भी काफ़ी ध्यान दिया जा रहा है। तो मैं इसी सिलसिले में आपको प्लांट्स के बारे में जानकारी दूंगी। तो मैं आज पांच प्लांट्स ऐसे प्लांट्स बता रही हूँ जो हमारे घर में रखने के लिए बहुत ही बेस्ट है। तो मेरा सबसे फर्स्ट प्लांट जो है ये है स्नेक प्लांट। ये देख रहे हैं जैसे कि मैंने एक छोटा सा बाउल में रखा है, ये डेकोरेटिव पर्पज़ से मैंने एक्चुअली रखा है, और इसे मैं पानी में लगाया है। इसमें दो चम्मच पानी डाला है और थोड़े से स्टोन से लगा के डेकोरेट किया है। लेकिन इस प्लांट की अगर खासियत जानना चाहे तो खासियत है कि ये हमारे घरों में जो फॉर्मल्डिहाइड, बेंजीन, उसको बहुत अच्छी तरह से एब्जॉर्ब करती है। और इस प्लांट्स के बारे में अगर ये देखें कि इसकी मिट्टी कैसी होनी चाहिए, तो मिट्टी इसे ड्राई चाहिए, इसे बहुत गीली मिट्टी पसंद नहीं है। इसमें ये एक तरह का सकुलेंट है एक्चुअली। तो सकुलेंट में क्या करते हैं कि उसमें हम लोग पानी बहुत ध्यान से डालते हैं, जब तक इसकी मिट्टी सूखे ना तब तक इसमें हम लोग पानी नहीं डालते हैं। तो इस तरह से अगर लाइट की बात करें तो लाइट इसे बहुत कम लाइट में भी ये चलता है, मीडियम लाइट में भी चलेगा और ब्राइट लाइट में भी चलेगा। तो बोल सकते हैं कि इसे हम इंडोर भी रख सकते हैं और आउटडोर भी रख सकते हैं। तो ये बहुत ही बेस्ट प्लांट है, तो इसे आप लोग अपने घर में रख सकते हैं, और मेरे अनुसार ये नंबर वन है। नेक्स्ट जो प्लांट है हमारा है ये जीजी प्लांट। ये देख रहे हैं कि ये बहुत ही स्टाइलिश प्लांट है। इसमें इसकी पत्तियां कितनी खूबसूरत हैं, लेकिन साथ में इसकी बहुत खासियत है कि ये भी फॉर्मल्डिहाइड, बेंजीन, इस तरह की गैसों को बहुत अच्छी तरह से अब्जॉर्ब करता है। अगर इसके लिए भी सनलाइट की बात करें तो इसे भी बहुत लो लाइट में हम लोग रख सकते हैं। जिस कॉर्नर में हमारी लाइट नहीं आती है या बहुत कम लाइट आती है उस कॉर्नर के लिए, या कि टेबल पे हम रखना चाहे तो टेबल पर भी हम इसे रख सकते हैं, स्टडी टेबल पे, डाइनिंग टेबल पे। तो इस तरह से ये हर जगह सूट हो सकता है ये प्लांट। तो आप आगे मिट्टी तो इसके सूखी चाहिए, और इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये भी हमारा बहुत बेस्ट प्लांट है रखने के लिए घर में। तो नंबर टू प्लांट्स ये है जीजी प्लांट। थर्ड नंबर का जो हमारा प्लांट है ये है फिलोडेंड्रॉन सियोन गोल्ड। इसकी भी देखिए ये लीफ की कलर कितनी सुंदर है। ये देख रहे, ये बहुत छोटा सा प्लांट मैंने एक्चुअली वन स्टेम ही लगाया है, और मेरे घर में बहुत सारे, दो तीन जगह मैंने इसे बड़े बड़े गमलों में लगाया है, तो उसमें से मैंने एक कटिंग्स लेके इसको ग्रो किया है छोटे से। तो इसकी भी खासियत यही है कि ये बहुत सारे जो गैसेस हैं,
जो हमारे घर में जो हमें हार्म करती है उनको एब्जॉर्ब करता है। अब इसमें देखते हैं कि इसमें देखिए जैसे एरियल रूट निकल रही है, अभी बारिश का मौसम है तो एरियल रूट आ रही है, इसे मिट्टी बहुत गीली नहीं पसंद है लेकिन थोड़ी थोड़ी गीली पसंद है, ह्यूमिड इन्वायरमेंट इसे बहुत पसंद है। अगर आप मिस्टिंग करते हैं तो इसका ग्रोथ बहुत अच्छे से होता है। तो इस तरह से ये जो प्लांट है ये भी अपने घर में रखने के लिए बहुत ही अच्छा प्लांट है। तो आप देखिए कितना सुंदर, कितना स्टाइलिश, कितना अच्छा कलर इसका, कितना अच्छा ग्लोइंग है। तो इस तरह से आप इसको अपने घर में रख सकते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है हमारा नंबर 4, ये है मनी प्लांट। मनी प्लांट में तो काफ़ी वैरायटी आती है, जैसे हमारे पहले पुराने सभी के घरों में मनी प्लांट होती थी। ये बहुत पुराना प्लांट है, जब कभी कोई इंडोर नहीं रखता था तो मनी प्लांट बहुत लोगों के घर में होता था, एक छोटी सी सीसी में उसमें पानी डाल के हम मनी प्लांट रखते थे। तो लेकिन अभी तो बहुत सारी वैरायटी आ गई है, उसमें ये जो वैरायटी है ये हमारा है गोल्डन पोथोस, ठीक है। इसमें आप वाइट मार्बल आ गई है, वेरीगेटेड आ गई है, नॉर्मल मनी प्लांट भी है। तो आप कोई सा भी रखें, सबका काम वही रहेगा, एयर को प्यूरीफाई करना। तो ये भी हमारे घर में जो गैसें हैं, जो हार्मफुल गैसेस हैं, जो हमें हार्म करती हैं उनको एब्जॉर्ब करती है। अब इसकी मिट्टी की बात करें तो मिट्टी कैसा चाहिए, इसे भी मॉइस्ट मिट्टी पसंद है, इसे मिस्टिंग पसंद है, क्योंकि ये भी आप देखते हैं कि इसे मिस्टिंग करते रहिए तो ये बहुत जल्दी ग्रो करता है, इसमें भी एरियल रूट्स आते हैं। तो इस तरह से, और आप चाहते हैं कि ये ऐसे घना रहे तो इसे आपको टाइम टू टाइम प्रून करते रहना पड़ेगा, तो ये घने हो जाएगी। तो इस तरह से ये प्लांट भी बहुत बेस्ट है हमारे घर में रखने के लिए। नेक्स्ट जो प्लांट है, जो 5th नंबर का प्लांट है, ये फिडल लीफ फिग है। ये देखिए, ये बहुत ही प्यारा, बहुत सुंदर, इसकी पत्तियाँ देखिए कितनी ब्रॉड है और चमकीली है, शाइनिंग है इसमें। तो ये मुझे पर्सनली मुझे बहुत पसंद है ये प्लांट। और इसकी बात करें तो ये इसमें बहुत खास है, ये हमारे रूम से हर घर में ह्यूमिडिटी जो होता है उसको कंट्रोल करती है, उसको रिमूव करती है। और इसे वार्म कंडीशन पसंद है, जहाँ पे ह्यूमिडिटी नहीं हो वहाँ पे इसे रखने से अच्छा रहता है। जैसे हम बेड साइड कॉर्नर जो रहता है, जहाँ पर लाइट लेकिन इसके लिए अच्छी चाहिए, जहाँ विंडो के पास ब्राइट लाइट आती है आप वहाँ रखें तो ये प्लांट बहुत अच्छा चलेगा। और ये टॉलिन, जाइलिन, इस तरह की जो गैसेस होती है इसको एब्जॉर्ब करती है। तो ये भी हमारे घर में आजकल बहुत प्रचलित हो रहा है। और ये मैंने जितने प्लांट्स भी बताएं ये आपके आसपास के जो नर्सरी होता है यहाँ पे सारे जगह पे आपको अवेलेबल होगा। तो आप अपने घर में प्लांट्स लगाएं, जिस तरह से मैंने अपने घर को, एक घर के एयर को प्यूरीफाई किया है, उसी तरह से आप लोग भी प्यूरीफाई करें। और इस तरह से आप, ये मैंने ये 5 प्लांट बताए हैं, दूसरे प्लांट्स भी हैं जिसे आप लगा सकते हैं। तो बस कोशिश इस ओर ही रखिए कि आप अपने घर की हवा को शुद्ध रखिए। तो लाइक्स का बटन दबाएं, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारा नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं फिर से अपने अगले वीडियो में। बाय बाय।